अभी हम हैं पाटलिपुत्रा जंक्शन के ठीक बगल में, जो फ्लाईओवर बना है, जो एम्स वाला जो फ्लाईओवर है वहीं पे हैं हम। इंतज़ार ख़त्म हुई और ये देखिए हम आपको एकदम ट्रेन शूट कर रहे हैं, मतलब हम तो काफ़ी खुश हैं। एग्जैक्टली काफ़ी अच्छी स्पीड में है ये। बहुत खूबसूरत है ये। खासकर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने फ़्लाइट और ट्रेन में अगर कंपैरिजन करूँ तो मेरे को तो भाई भारतीय रेल की जर्नी पसंद आई है, शायद इस कारण से क्योंकि इस पे हम थोड़ी शैतानी कर सकते हैं और जो ट्रेन का जो जर्नी होता है, मीन टू से प्लेन का जो जर्नी होता है वो काफ़ी ही डिसिप्लिन होता है शायद इस वजह से। जैसा कि हमने बताया था कि जब भारतीय रेल की बात आती है तो हर के जहन में पहला सवाल यही उठता है कि पहला ट्रेन कहाँ दौड़ी होगी, कब दौड़ी होगी, कितनी बोगियों वाली होगी। तो सन 1853 में बॉम्बे में चली थी 34 किलोमीटर की, जिन्हें तीन लोगों ने दौड़ाया था, एक सुल्तान, एक सिंध और शायद मैं एक नाम भूल रहा हूँ जी। बहुत खूबसूरत है ये। अगर शाम में आप पाटलिपुत्रा जंक्शन को देखेंगे तो इतनी खूबसूरत लाइटनिंग रहती है कि मज़ा आ जाएगा आपको। और वो अभी पाटलिपुत्रा जंक्शन पर आके रुकी है। बात आती है इंडियन रेलवे की तो याद आता है उन दिनों का जब वो स्टीम इंजन चलता था और भाप निकलता था और धुक 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 की आवाज़ चलती थी, और साथ में अशोक कुमार का भी वो गाना आप सभी गुनगुनाते होंगे कभी जब बच्चों के साथ घर में खेल रहे हैं या कहीं भी खेल रहे हैं, तो वो गाना है ना, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी। ट्रेन को देखना हमें बड़ा अच्छा लगता है और साथ में ट्रेन की जर्नी भी करना बहुत पसंद है, और साथ साथ ट्रेन से बाहर देखना या फिर फ्लाईओवर वगैरह को देखना ये एक फर्स्ट टाइम मैंने देखा है इधर। ट्रेन की विसिल जब सुनते हैं तो भाई लोग 2 किलोमीटर दूर ही रहते हैं तो वो समझ जाते हैं जरूर ट्रेन आई है या जा रही है। काश हमारा भी घर पास में होता तो डेली एक दफ़ा आता ज़रूर और जाता ज़रूर। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे बचपन से ही, चाहे आप बस में वोल्वो में ऑफ़र करें या फिर कोई भी वेल सीटेड, जो आजकल तो एक से एक लग्जरियस बस चल गई है, लेकिन मैं तो ट्रेन ही पसंद करता हूँ। फ्लाइट मेरे को पसंद नहीं आती फ्लाइट, लेकिन चूंकि समय पकड़ना रहता है, समय की तंगी रहती है, इसलिए लोग पसंद करते हैं। ये आपको आ रहा होगा हाजीपुर से, हाजीपुर से पाटलिपुत्रा जंक्शन है, वाया पाटलिपुत्रा जंक्शन ये कहाँ को जाएगी ये हमें भी नहीं पता है। और जब रेलवे की बात आती है तो हम डायमंड क्रॉसिंग को कैसे भूल सकते हैं। तो बस ऐसे ही हिस्ट्री उठा के देख रहा था तो डायमंड क्रॉसिंग एक जो आपका यूएस में है और एक जो हमारा नागपुर में है, जो कि हमें चार दिशाओं को जोड़ता है, ट्रेन पास होती है। तो एक बार हिस्ट्री देख रहा था तो बड़ा खूबसूरत लगा, एक बार वहाँ भी जाने का मन है और आप सभी के संग एक बार फिर से शेयर करने का रिक्वेस्ट है। और काशी नगरी से भी जिन्होंने बुलाया, अरे भाई जब वीडियो की बात आ रही है तो महादेव की गली को हम कैसे भूल सकते हैं। तो बहुत जल्दी हम काशी भी जाएंगे और गंगा में डुबकी भी लगाएंगे और महादेव के दरबार में मत्था भी टेकेंगे। आप लोगों से वही दरख्वास्त है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल हिट करें ताकि अगला जो हमारा वीडियो बन रहा है वो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे।